चलिए पिछला रिवाइज या सीधा स्टार्ट करें बेटा तो पांच मिनट में एक बार दस मिनट लगा के क्विकली स्टार्टिंग से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन ट्वेंटी टू तो टू सेक्शन ट्वेंटी सेवन इनकम का सेकंड हेड है बेटा ये आपका कवरेज सेक्शन बाईस से 27 सेक्शन ट्वेंटी टू इज द चार्जिंग सेक्शन तीन कंडीशन दी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कंडीशन नंबर वन देर मस्ट बी बिल्डिंग कंडीशन नंबर टू अस मस्ट बी ऑफ सच बिल्डिंग कंडीशन नंबर थर्ड सच बिल्डिंग इज नॉट यूज बाय ऑनर इन हिज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एनालिसिस बेटा देयर मस्ट बी बिल्डिंग बिल्डिंग से रेंटल इनकम है तो तो आती है बेटा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है पर बिल्डिंग से नहीं है लैंड किराये पे दी प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी फर्नीचर किराए, किराए पे दिया ये सारी रेंटल इनकम इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स उसका काम ही किराए पे देना है तो पीजीबीपी ओकेजनली देता है तो बेटा अंडर द हेड अदर सोर्स बिल्डिंग होनी चाहिए तभी हाउस प्रॉपर्टी में आता है बेटा बिल्डिंग में भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी कमर्शियल कमर्शियल में बेटा शॉप्स आ गए फैक्ट्री आ गई आपकी गोडाउन आ गए वेयर हाउस आ गए इनको अगर किराए पे देंगे टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड रूफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड फ्रंट साइड या बैक साइड ऑफ बिल्डिंग छत अगर किराए पे दी वो पीजीबीपी में जाएगी या अदर सोर्स बैक साइड या फ्रंट साइड किराए पे दी एडवर्टीजमेंट परपज के लिए वो भी बेटा इधर पीजीबीपी या अंडर द हेड अदर सोर्स इसके साथ फिर मैंने आपको पढ़ाया था कंपोजिट रेंट फैसिलिटीज मे बी इन प्लांट एंड मशीनरी इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं फर्निस्ड हाउस या फर्निस्ड ऑफिस चेक करें क्या रेंट अलग अलग सेपरेबल है अगर रेंट को बेटा हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर का अलग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का अलग तो सुपर स्ट्रक्चर वाला तो चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी वाला इधर पीजीबी पे और अंडर द हेड अदर सोर्स, और अगर लैंडलोड ही लैंड को अलग अलग नहीं बता रहा बेटा वो लमसम चार्ज कर रहा है सेपरेट नहीं हो पा रहा बायफर्केट नहीं हो पा रहा सारा का सारा उठाओ इधर पीजीबी पे और अंडर द हेड अदर सोर्स सेकेंड कंडीशन थी अस मस्ट बी द ऑनर ऑफ सच बिल्डिंग ऑनर आपका बेटा को ऑनर भी हो सकता है ऑनर आपका एब्सोल्यूट ऑनर भी हो सकता है ओनर होना चाहिए ओनर है तो ही इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टीनेंट ने किराए पे लिया उसने आगे फर्दर क्या कर दिया सबलीज कर दिया तो बिल्डिंग सबलीज करी है बेटा किराया है बिल्डिंग से है पर वो टीनेंट उसका ओनर नहीं है वो टीनेंट के हैंड में हाउस प्रॉपर्टी में ना आके इधर पीजीबी पे और अंडर हेड अदर सोर्स ठीक है साहब ओनर इंक्लूड डीम डोनर एज पर सेक्शन ट्वेंटी सेवन सबसे लास्ट क्लास में लेंगे जी डीम डोनर क्या होता है थियोटिकल कॉन्सेप्ट है लो की वो सिचुएशन जहां पर आप ऑनर नहीं है उसके बावजूद भी लो एज्यूम कर लेगा कि आप ही के हिसाब ऑनर है और थर्ड कंडीशन बिल्डिंग अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं करेगा अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करेगा तो बेटा पीजीपीपी में वो ट्रीट होगी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी दो स्पेसिफिक केस अगर प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है एज ए स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस शीट में नजर आती है एज ए स्टॉक इन ट्रेड तो वो तो जाएगी बेटा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और अगर काम ही क्या है बेटा लेटिंग आउट का काम है वो वाली रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है हेड पी जी बी पी स्टार्ट किया था हाउ टू कंप्यूट जी हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट क्या था बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से माइनस कर दें म्यूनिस्पल टैक्स पेड बाय ऑनर क्या निकल क्या जाएगा एन एवी माइनस कर दें कितने डिडक्शन बेटा दो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट पॉजिटिव एन ए वी का नंबर टू बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस करंट ईयर में जितना इंटरेस्ट है तेईस चौबीस में चाहे पेड हो चाहे इंटरेस्ट माइनस कर दो सीखने लायक चीज एक ही देश में ग्रॉस एनुअल वैल्यू चार अलग अलग केसेस थे बेटा चारों केस एक बार तेजी से सबसे पहला केस क्या के था व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर एक्सपेक्टेड रेंट बेटा और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज द जी ए

एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का और दो सिचुएशन बनाते थे या तो एक्चुअल रेंट ज्यादा होगा या एक्चुअल रेंट कम होगा एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा है तो बोलो एक्चुअल रेंट इज दी एक्चुअल रेंट अगर कम है बेटा कम का कारण पता लगाओ वैकेंसी के कारण कम है या अदर देन वैकेंसी के कारण कम है वैकेंसी के कारण कम है केस बोनाफाइड माना जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बेटा एक्चुअल रेंट इज अदर देन वैकेंसी के कारण काम है. है बेटा? लेना है in my personal opinion, proportionate होना चाहिए था, पर वो मेरी ओपिनियन है लॉ में उसकी कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं इग्नोर कर देना वो आपको कंप्लीट एक्सपेक्टेड रेंट तीसरा केस था बेटा पार्ट ऑफ ईयर लेट आउट पार्ट ऑफ ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर सिंपल है जी ए वी क्लासरूम डिस्कशन के लिए बड़ा सिंपल है प्रैक्टिकल दिखाया था बेटा मैंने इसमें दिक्कतें आ सकती है आती रहे बेटा आपको क्या करना था विच एवर इज हायर लास्ट केस लिया था बेटा सेल्फ ऑक्युपाइड बाय ऑनर थ्रू आउट द होल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करना चाह रही है बेटा इसको कि आप हाउसिंग लोन लीजिए एक्वायर या कंस्ट्रक्ट कीजिए हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड है हम उसकी एनएवी क्या कर देंगे साहब निल कर देंगे एनएवीनल डिडक्शन ऑटोमेटिक निल एक चीज का बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का

साल के अंदर निपट जाए। ये तीनों तीनों तो लाख। इसके अलावा कोई भी मिस हुआ, ये तीनों मिस हुए। अपर कैप कितने की थी थर्टी थाउजेंड उसके बाद फिर बेटा लोन बोला था आपने मल्टीपल हाउसेस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं, अब मैक्सिमम कितने हाउस मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड दो हाउस मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड उनकी एनएवी नील दोनों की मिलाके एनएवी नील और दोनों में मिलाके अपर कैप कितने की लगेगी बेटा दो लाख या तीस हजार एज द केस में भी दोनों में मिलाके ठीक है साहब लॉस सा आ जाएगा आपके दो से ज्यादा अगर हाउसेज सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं बाकी सारे मान लिए जाएंगे डीम टू बी लेट आउट अब किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने किसको भी डीम टू बी लेट आउट वो आपकी इच्छा है परमुटेशन कम्बिनेशन बना के देखे जाते हैं जिन परमुटेशन कम्बिनेशन में या तो इनकम कम आ जाए या लॉस ज्यादा आ जाए वो परमुटेशन कम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है प्रैक्टिस करा दी थी बेटा इसके बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिया था अनरियलाइज रेंट वो रेंट जो लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाता डूब गया टेनेंट भाग गया बेटा सारी कोशिश कर ली पर हम टेनेंट से रेंट रिकवर नहीं कर पाए उस रेंट को बोला जाता है बच्चे अनरियलाइज रेंट पहले थ्योरेटिकल याद कर लेना साहब अनरियलाइज रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन कंडीशन बोलो बेटा नंबर वन टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड केस बोनाफाइड होना चाहिए बेटा टीनेट के पास लैंडलॉर्ड की कोई और बिल्डिंग पोसेशन में नहीं होनी चाहिए टीनेंट ने बेटा उस बिल्डिंग को क्या कर दिया हो साहब वैकेट कर दिया हो चौथा लैंडलॉर्ड क्या कर चुका हो बेटा सारे रीजनेबल स्टेप ले चुका हो पर वो रिकवरी नहीं कर पा रहा और पांचवा असेसिंग ऑफिसर भी क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग सेटिस्फाइड होना चाहिए सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है अनरियलाइज रेंट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स ये तो हुआ थियोटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेटा इनको कैसे कंसिडर करे दो अप्रोच है एक इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है एक इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं वो अलग से अप्रोच देता है दोनों अप्रोच से हो सकता है आंसर सेम हो जाए और ये भी पॉसिबल है कि आंसर क्या आ जाए बेटा डिफरेंट आ जाए पर अप्रोच दोनों ही वैलिड है अप्रोच वन क्या बोलती है बेटा आपके साथ अप्रोच वन बोलती है एक्चुअल रेंट लो ओनली मैंने पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी लेटर से किराए पे दी आखिरी के एक महीने का रेंट अनर रह गया पचास हजार रुपए महीने के हिसाब से पूरे साल प्रॉपर्टी किराए पे थी आखिरी के एक महीने का अनरियलाइज रह गया तो बेटा हम एक्चुअल रेंट कितना लेंगे ग्यारह महीने का अप्रोच वन बोलती है एक्चुअल रेंट रियलाइज लो मेरे एग्जाम्पल में ग्यारह महीने एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर कर दो विच एवर इज हायर इज द जी ए वी ये अप्रोच किसकी है इनकम टैक्स एक्ट की

उसमें से माइनस कर देना रेंट। ये ट्रीटमेंट थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जिसमें आज टाइम लगाना है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ये था तीन क्लासों का जो अपना दस मिनट के अंदर वाइंड अप हो गया घर में भी ऐसे रिवाइज करते रहना बेटा मिरर के सामने बड़बड़ा के पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आदत है नहीं ऐसे आदत डाल लेना याद करने में आसानी रहती है घर पर बड़बड़ाते रहना ऐसे ही चलो करें स्टार्ट तो कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी पहली क्लास है उस तरह में बीच-बीच में। में तो विश्वास उड़ जाएगा उसका मेरे से भी और टैक्स से भी चलो पहले अपने एग्जांपल बनाए बोला बेटा कितने एग्जांपल हो गए थे सिक्सटीन हो गए थे चलो जी एग्जांपल सेवेंटीन पहले ले लेते हैं इसमें केस क्या बनेंगे बेटा जितने भी केस मैंने पढ़ाए थे उन सब में अनरियालाइज लेंट हो सकता है केस वन पूरे साल लेट आउट उसमें अनरियलाइज केस टू क्या था बेटा पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर लाइन उसमें भी हो सकता है कुछ हो जाए केस थ्री क्या था पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड उसमें भी हो सकता है अनरियलाइज्ड हो जाए क्या चौथे में हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर थ्रू आउट द होल ईयर उसमें तो खुद ही ले रहा है वो ठीक है ना तो पहले तीन केसेस में पॉसिबल है लिखो मैं करेक्ट फॉर्म में लिखवाता हूं लेट आउट पीरियड पहले ले लेते हैं पूरा साल मंथली रेंट पचास हजार रुपये महीना अन रेंट रेंटरी के एक महीने का भाग्य नालायक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब भी आए अनियलाइज रेंट वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड मान लेना कोई उल्टी सी रियजम्शन मत ले लेना हमारा ए ओ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सोल्व भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ए नहीं मान रहा मान लेना वो पांचों कंडीशन क्या है बच्चे सेटिस्फाइड है चलो जी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन म्युनिसिपल वैल्यू आठ लाख फेयर रेंटल वैल्यू छ लाख स्टैंडर्ड रेंट नौ लाख Total municipal taxes paid one lakh, out of which forty thousand is paid by a tenant. Out of which forty thousand is paid by tenant. Interest on loan for house. दो लाख दस हजार एक मिनट रुक जाओ अपर कैप कितने किया बेटा दो लाख ये लेट आउट है कोई अपर कैप नहीं सॉरी बोल <laughs> और लेट आउट के केस में अपर कैप थोड़ी ना है सर आपने पूछा क्यों मैं कुछ भी पूछू लेट आउट है, सर ये लिखा है लेट आउट है सबसे पहली लाइन में लेट आउट के केस में कोई अपर कैप नहीं कोई अपर कैप नहीं कोई अपर कैप नहीं ठीक है चला खत्म हो गया कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ट्राई करना चाहोगे एक मैं कराऊं एक मैं कराऊं बाकी सब आप करना फिर ठीक है ये भी ठीक है बोले बोले नहीं अब तो मैं कराऊंगा एक तो मेरा भी बनता है कराना मैं भी आ जाया हूं तैयार होकर चलो साथ, साथ चलो कॉन्फिडेंस आगे निकलो मेनिसिपल वैल्यू बोलना बेटा उन्हें बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ेगा आठ लाख फेयर रेंटल वैल्यू छ लाख आठ और छ विच एवर इज हायर आठ लाख किससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है क्या अच्छा दे रखा है नौ लाख विच एवर इज लोअर क्या नाम होता है इसका एक्सपेक्टेड रेंट कानून की नजर में इस प्रॉपर्टी का किराया कितना बन रहा है पाई आठ लाख एक्चुअल रेंट मैं पहले कर रहा हूं इनकम टैक्स वाली अप्रोच तो इनकम टैक्स वाली अप्रोच क्या बोलती थी रियलाइज लो जो डूब गया उसको भूल जाओ केवल क्या ले लो रियलाइज लो कितने महीने का रेंट डूबा है एक महीने का तो रियलाइज कितने महीने का हुआ है ग्यारह महीने का तो ग्यारह महीने का रेंट कितना हो गया भाई पचास हजार इंटू ग्यारह ये बोलता है रियलाइज्ड ओनली ब्रैकेट में लिख देता हूं रियलाइज्ड ओनली इसको चमका दो रिवीजन के टाइम ये चीज काम आएगी हाँ जी कितना हो गया साढ़े पांच लाख एज यूजल अब आपने सीख रखा है बेटा केस वन में आंसर क्या होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल कोई तरीका नहीं है जीएवी निकालने का वो मैं सिखा ही चुका हूं। तरीका क्या क्या था था? बेटा? बन रहा है ना, आंसर हो होता था? रेंट और रेंट, whichever is higher. तो बोलना जीएवी आठ लाख इसके बाद फॉर्मेट है फिट कर दो जल्दी से क्या था फॉर्मेट माइनस क्या करते थे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टीन बताते रहो मैं भूल जाता हूँ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पेड है एक लाख उसमें से चालीस हजार टीनेंट ने दिए टोटल है एक लाख उसमें से चालीस हजार टीनेंट ने पे करे हैं तो बाकी साठ किसने दिए होंगे लैंड ने बाकी साठ हजार किसने दिए होंगे बेटा ऑनर ने हमें तो ऑनर वाले लेने हैं ना ऐसी प्रैक्टिस करा चुका हूं बेटा मैं बहुत हाँ सर एन एवी इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना नेट एनवल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर सबसे पहले कौन सी थी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की थी थर्टी परसेंट ऑफ जी ए वी एन ए वी दो सौ सोलह दो लाख दो सौ बाईस होता है दो लाख बाईस हजार अच्छा सेवन फोर्टी आएगी सेवन फोर्टी लिखा है बेटा ध्यान नहीं है तुम्हारा चेक करना लायक सेवन फोर्टी का थर्टी परसेंट दो लाख बाईस हजार इंटरेस्ट अपर कैप कुछ मत लगा देना ये लेट आउट प्रॉपर्टी है बोलना इंटरेस्ट कितना है दी लाख दस हजार तीन लाख आठ हजार कौन से हेड की इनकम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ठीक है एक तो सॉल्यूशन है ये पहले ये लिख लो इसमें कोई दिक्कत हो पूछ लो ये अप्रोच वन है जो बोलती है रियलाइज उतना एक्चुअल रेंट उतना ही लो जो एक्चुअल में रियलाइज हुआ है तो मेरे एग्जाम्पल में ग्यारह महीने का रियलाइज है चले मोहन अप्रोच टू अल्टरनेटिव अप्रोच इससे मैं रिपीट करना चाहूं आंसर सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है ना अल्टरनेटिव अप्रोच ये इनकम टैक्स रिटर्न की है जब हम आई फाइल करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम वो लेते हैं जिसमें इनकम कम आ जाए ठीक है ना क्लासरूम में दोनों से सॉल्व करना है एग्जाम में भी दोनों से सॉल्व करके आ जाना ठीक है ना एग्जाम में बेटा उसका नाम सुना आपने सिया राम नॉट सिया राम एस एस सी सी कॉलेज अरे सीए में तो बड़े पॉपुलर नाम है ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा आठ करने होते हैं पांच समझने के लिए आठ क्वेश्चन करने कितने हैं बेटा उसमें से पांच तीन की चॉइस होती है आप उसमें लिखा होता है ना बेटा डू एनी फाइव आपको सिया बनना है बेटा आप करके आ जाना आठ के आठ और नीचे लिख के आ जाना चेक एनी फाइव नहीं ये तो था मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर नालायक हो आठ में से पांच कह रहे तो आठ के आठ कर जाना नीचे नोट डाल के आ जाना जो तेरा मन करे वो पांच चेक कर ले कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं चलो सही सही बताऊ आखिरी में बताऊंगा ना थोड़ा आगे बढ़ता रहे बताना भी तो है कि पेपर कैसे तैयार करना होता है कैसे लिखना होता है अभी तो मैं सिखा रहा हूं थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूं फिर धीरे धीरे एक एक लेवल अप करता जाऊंगा ना बेटा इधर आओ अल्टरनेट अप्रोच सीधे एक्सपेक्टेड एंड लिख दू उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं कुछ भी लिखो जरा मैं नकल मारनी है तुमने बड़ा दिमाग लगाना है कितना था एक्सपेक्टेड रेंट बेटा आठ लाख अब प्लीज ध्यान देना एक्चुअल रेंट ये बोलते हैं एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो कुछ भी नहीं डूबा एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो सारा रेंट रियलाइज है कुछ डूबा ही नहीं कुछ डूबा नहीं तो वेरी गुड ठीक तो कह रहा है हाइपोथेकेट एज्यूम करें सारा का सारा क्या है बेटा रियलाइज है सर पर डूबा तो है एक्चुअल में लॉस है रुक तो जा करेंगे एडजस्ट उसको फिर एज यूजल जो जीएवी निकालने सिखाई थी वो निकाल दो बेटा विच एवर इज कितनी आ रही है आठ लाख पर ये आंसर नहीं है जीएवी नहीं है माइनस कर दो इसमें से अनरियलाइज माइनस कर दो इसमें से अनरियलाइज कितना आएगा साढ़े सात लाख तो ये दो अलग अलग अप्रोच हैं सेकेंड जो अप्रोच है बेटा ये इनकम टैक्स रिटर्न वाली है सर एग्जाम में क्या करें सिया दोनों करके आने हमें दो उसका मन करे कर ले चेक दोनों ठीक है ना आगे फॉर्मेट फिट करवाओ जल्दी से एम पेड साठ हजार एन ए वी छ नब्बे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी सात या साठ सेवन इंटरेस्ट दो लाख दस हजार टू सेवेंटी थ्री इनकम टैक्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो आएगा तीन सौ आठ इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से चलेंगे तो आएगा दो सर क्या है हमेशा ही आंसर अलग अलग आएंगे सेम भी आ सकता है दोनों अप्रोच से ये भी पॉसिबल है कि आंसर सेम आ जाए और ये भी पॉसिबल है डिफरेंट आ जाए एग्जाम में आपने दोनों अप्रोच करनी है प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा हम वो लेते हैं जहां बेनिफिट नजर आ जाए ठीक है सीधे बुक वाले करवा दू बहुत सारी प्रैक्टिस डाल रखी है मैंने हर केस की वैरायटी है बेटा एक एक क्वेश्चन आराम से पढ़ो और सॉल्व करो कहां तक हो गए थे चलो मुझे पता चल जाएगा एटीन बेटा विजिबिलिटी है फोन साइज बड़ा करूं कंफर्टेबल हो फोन साइज बड़ा करूं अरे यार हाँ ना कुछ तो कर दो हाँ हाँ हा का क्या मतलब ठीक है चलो तो सोल्व करो कुछ भी नहीं बोलते ना लायक चलो लिख लेना क्वेश्चन एटीन विद इन ब्रैकेट बुक यार दोनों अप्रोच से मैं तीन बार बोल चुका हूं मैं मेट्रो के आगे धक्का दे दूंगा ना लायक टाइम पास कर रहा है थोड़ी सी पीछे कर लो गर्दन दुख जाएगी नहीं ऐसे नजर तो सामने भी था यार नेक्स्ट रजिस्टर बनाओ ना बेटा थोड़ा मोटा बनाना ये बहुत सारे भर जाएंगे नहीं तो और रजिस्टर कोशिश करो स्पायरल फॉर्म में ये फट जाते ये हम पीछे से क्यों चल रहे हैं स्टार्टिंग से क्यों नहीं कर रहे सी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वर्क होमवर्क गर्दा के फ़ेल करते हो क्या साहब लिख भाई मेरी तरह हैं ठीक है ठीक है दोनों से सेम आ रहा है हाँ मतलब वो कोई दिक्कत नहीं पर करना दोनों से सॉल्व मेरे को असिस्ट करो सर बफर हो रहा है बीच बीच में बफरिंग तो नहीं हो रही आज यार बेटा आपके साइड से ही प्रॉब्लम है लक्ष्य आज तो बफरिंग नहीं हो रही ना नालायक हाँ क्वेश्चन नंबर एटीन कर तो लिया आपने मुझे एक्सपेक्टेड रेंट बता दो एक्सपेक्टेड रेंट मान के चलो ना ठीक है एक्चुअल रेंट मंथली बताना कितना है मंथली चालीस हजार और फर्स्ट अप्रोच बोलती है जो रियलाइज है उतना लो कितने महीने का रेंट डूबा है एक महीने का और केस है पूरे साल लेट आउट वाला चालीस हजार इंटू ग्यारह चार चालीस एवर इज़ हायर जी ए चार चालीस फॉर्मेट में फिट कर दो एम टी पेड बीस माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी 126 माइनस इंटरेस्ट है क्या पैंतालीस और अगर ये रिपेयर के लिए होता तो अगर ये रिपेयर के लिए होता पैंतालीस हजार तो भी पैंतालीस लेते तीस की अपर कैप कब लगती जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता लेट आउट में किसी टाइप की कोई अपर कैप नहीं इतनी बार बोल रहा हूं फिर भी गड़बड़ करेंगे ना लाइक। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी है भाई टू अरे ठीक है अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली एज पर इनकम टैक्स रिटर्न अल्टरनेटिवली एज पर आई टी आर इनकम टैक्स रिटर्न ये क्या बोलता है साहब ये बोलता है भाई एक्सपेक्टेड रेट पहले एज यूजल ले लो कितना है चार लाख एक्चुअल रेंट एक बार मान लो हाईपोथिकेट सारा रियलाइज्ड है कुछ भी नहीं डूबा सारा रियलाइज है तो पूरा का पूरा चार अस्सी विच एवर इज हायर चार अस्सी इसमें से माइनस कर लो अनरियलाइज रेंट इसमें से माइनस कर लो अनरियलाइज रेंट ठीक है जी ये आपकी जीएवी मानी जाएगी ओके रिपोर्ट बाकी एम टी एक कॉपी हो जाएगा यार मैं बार बार लिख रहा हूँ ओल्ड? एक मिनट अभी बताइए जा तो सेम आ रहा है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू मेरा काम तो हुआ आसान फोर्टी नाइन ही है बेटा ठीक है चलो नाइनटीन पूरे साल लेट आउट है और अब की बार किराया डूबा है दो महीने का बल्कि टाइम बचाने के लिए एक चीज और बोलूं कंपैरिजन भी हो जाएगा आप इसको ऐसे करो पेज कोई दो हिस्से में बांट लो अप्रोच वन अप्रोच टू समझ गए ना आमने सामने हो जाएगा कल को रिवाइज करने में आसानी रहेगी दोनों में चेंज क्या होता है क्वेश्चन दिखा रहे हैं क्वेश्चन अपने मोबाइल में खोल लो ना ऐप ओपन नहीं होती क्या उसमें कौन मेहनत करे चलो 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 बार दो महीने का अंडे है भाई सर पिछले क्वेश्चन में एक का था वो क्वेश्चन खत्म हो गया ना लायक क्चुअल रेंट में जैसे आपने लिया ना बेटा चार और चार अस्सी इसको लिखो चालीस हजार इंटू दस और चालीस हजार इंटू बारह कल को रिवीजन के टाइम भटक जाओगे अलग अलग आ रहे करूं कर लिया बोलियो बेटा जी ये भी बता एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कितना है एक्चुअल रेंट मुझे मंथली बताना बेटा चालीस हजार और कितने महीने का रियलाइज है अनरियलाइज कितना है दो महीने का तो रियलाइज्ड है दस महीने का मेजोरिटी बच्चे बेटा चार लाख तो लिख रहे हैं नो डाउट पर वो ये नहीं लिख रहे इसको लिखो को सोच के बोल रहा हूँ रिवीजन के टाइम भटक जाओगे बेटा कल को जब लेके इसको रिवाइज कर रहे होगे तो सार लाख कहाँ से आया ये दिमाग में आएगा फिर चलो जी ए वी एज यूजल विच एवर इज हायर माइनस बोलना बेटा म्युनिस्िपल टैक्सेस पेड बीस एन एवी पाँच अस्सी वन सेवेंटी फोर इंटरेस्ट फोर्टी फाइव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थ्री सिक्सटी वन अप्रोच वन से आ रहा है बेटा अपना थ्री सिक्सटी वन हटाओ अप्रोच टू एक्सपेक्टेड रेंट सेम एक्चुअल रेंट हाइपोथेटिकेट एज्यूम किया जाता है कि रियलाइज है मान लेते हैं जी रियलाइज है चार अस्सी विच एवर इज हायर जी पर ये है नहीं जी अब माइनस कर दो अनरियलाइज रेंट अनरियलाइज्ड रेंट कितना हो गया Hmm. कितना था बेटा बीस हजार पांच लाख डेढ़ लाख पैंतालीस हजार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीन लाख पांच हजार आई थिंक आ गया हुआ बटाई समझ में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग मैके और उसमें अनरियलाइज उसमें बच्चे के फंसने की पॉसिबिलिटी रहती है देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी खेलो टाइम लगाना है इसमें दस महीने लेट आउट है दो महीने खाली है क्रैक्स बता देता हूं मैं पहले दस महीने लेट आउट है दो महीने खाली है और उस दस महीने में भी आखिरी के एक महीने का रेंट अनरियलाइज है बाकी जो डाटा है वो तो पढ़ते रहना क्रेक्स क्या बेटा दस महीने लेट आउट दो महीने खाली तो एक केस कौन सा बन रहा है पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वेकेंट उसमें एक महीने का रेंट क्या है अनरियलाइज्ड ट्राई करो मैं चाहता हूं पहले आप करें दोनों अप्रोच और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आमने सामने नहीं। मतलब सम्झाने? कुछ तो कर मैंने तो कराना ही है हाथ पैर तो मार एग्जाम में आ जाए क्या करता चाह रहा हूँ खुद ट्राई कर दू हाथ पैर कुछ तो मार यार गलती तो होगा एग्जाम में ये बढ़िया जीरो से कम नहीं आते नेगेटिव नहीं होता टा पिटी कर दिए कोमा भी लगा दिया अगर बेटा कोमा भी लगाने होते हैं कर दिया एक बार मैं फॉर्मेट ही बना दूं, फिर उसे ही कॉपी कर लूंगा है चलो एक्सपेक्टेड रेंट बताना बेटा एक्सपेक्टेड रेंट याद हो पूरे साल का एक्सपेक्टेड एंड पूरे साल का तीन लाख चेक कर लिया ना एक बार जो नॉर्मल तरीके से चलते थे तो एक्चुअल रेंट क्या लेते थे एक्चुअल टाइम पीरियड का एक्चुअल टाइम पीरियड कितना है दस महीने एक्चुअल टाइम पीरियड कितना दस महीने और अब इनकम टैक्स अप्रोच में अनएक्स क्या आ गया अनरिलाइज रेंट भी आ गया वो बोलता है केवल रियलाइज लो तो दस महीने का नहीं कितने महीने का लेंगे बेटा नौ महीने का हाउ मच एक लाख मंथली बोलो इनटू नौ रियलाइज ओनली रियलाइज ओनली कितना हो गया भाई एक अस्सी अब एज यूजल चलो जैसे सिखा रखा है अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा होता तो एक्चुअल रेंट इज द जीएवी एक्चुअल रेंट कम है कम का कारण पता लगाते हैं कम का कारण पता लगाते थे पूरे साल का रेंट निकाल के ये प्रॉपर्टी अगर पूरे साल भी लेट आउट होती तो भी ये कमाती बीस हजार इंटू बारह ये प्रॉपर्टी पूरे साल अगर लेट आउट होती तो भी ये कितना किराया कमा पाती बीस हजार इंटू बारह दो लाख चालीस हजार पर अब ये दो चालीस नहीं कमा रही ये कमाई कितना रही है बेटा एक अस्सी पूरे साल भी लेट आउट कर ले तो भी कम बन रहा है दो लाख चालीस हजार तो कम का कारण क्या है बेटा मेलाफाइड कम का कारण क्या है बच्चे मेलाफाइड मेलाफाइड होता है तो ये आंसर आएगा बाकी फॉर्मेट है यहां तक कोई दिक्कत ठीक है ना फॉर्मेट में फिट करो एम टी बोलना पेड़ दो लाख छब्बीस ती हजार चौरासी इंटरेस्ट है क्या सेवेंटी एट सिक्सटी फाइव एक सत्रह ठीक है अप्रोच वन में कोई दिक्कत अप्रोच टू पे आओ एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का और हाइपोथिकूम कर लो सारा रियलाइज है तो यहां पर कितना लू बीस हजार इंटू दस एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का और एज्यूम ऑल रियलाइज ऐसे ही सिखाया था ना कितना हो जाएगा बेटा दो लाख एक्चुअल रेंट कम है कम का कारण पता लगाओ अभी लगाते हैं जी पूरे साल लेट आउट होता तो भी ये दो चालीस बन रहा है तो भी ये कम बनता यानी कि कम का कारण जेनवन नहीं है कम का कारण क्या है बेटा मेलाफाइड है मेलाफाइड होता है तो एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं बट माइनस कर देना उसमें से एक महीने का अनरियलाइज रेंट मैं हैंग हो गया यार मैं अटका पड़ा हूं बहुत देर से एक में चल रहा हूं एक में ये क्या चक्कर है चलो इतने ये तो पूरा कराई दो कितना हो गया भाई जी ये भी दो लाख अस्सी हजार ये लाइन क्यों खींच खींचनी मैंने एम टी पेड चालीस दो चालीस चौबीस या बहत्तर पैसठ एक लाख तीन हजार ऑनलाइन वाले बेटा एक बार बताएं जरा कि आप ठीक है ऑनलाइन लाइव आंसर है बेटा एक सत्रह और एक तीन ऑनलाइन आंसर समझ में आ गया बेटा गुड डे एक सत्रह एक तीन यस सर चलो ट्वेंटी फर्स्ट ट्राई करो कहाँ तक करने हैं आगे बढ़ते जा रहे हो क्या तुम बस यहीं तक करना था इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट तो है उसमें कॉन्सेप्ट अलग है ट्वेंटी फर्स्ट मेरी क्लास में समस्या है सब में होता है कर भाई तू क्या नाराज है सोल्व कर दिया ट्वेंटी वन आंसर बता वन पोर पोर और एक चालीस पांच सौ एक तीस पांच सौ भाई तेईस तक कैसे कर लेगा इक्वल को ऑनर है पढ़ रखा क्या ग्रेजुएशन में महा पंडित है भाई सेम ही लग रहा है ये भी इंटरेस्ट निकालना है बस इसमें है ना क्या लें क्वेश्चन नंबर चलो बोलना एक्सपेक्टेड रेंट बताओ बेटा मेरे को तीन लाख एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का वो भी रियलाइज वैसे तो एक्चुअल टाइम पीरियड था कितना दस महीने उसमें से एक महीने का अनरियलाइज्ड है एक्चुअल टाइम पीरियड का रियलाइज एक अस्सी विच एवर इज आया सॉरी 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 एक्चुअल रेंट कम है कम का कारण पता लगाओ कम का कारण पता लगाया जी पूरे साल भी अगर ये लेट आउट होता बीस हजार इंटू बारह होता तो भी ये कम पड़ रहा था दो लाख चालीस हजार तो भी ये तीन लाख ,00 से कम है तो कम का कारण क्या है बेटा मेलाफाइड मेलाफाइड है तो एक्सपेक्टेड रेंट इज द जी एवी एम टी पेड बोलना चालीस हजार एन दो साठ सेवेंटी एट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पाँच लाख के ऊपर कितने परसेंट के हिसाब से दस परसेंट के हिसाब से जुलाई से लेके मार्च कितने महीने हो गए भाई नौ महीने का ब्याज पांच लाख के ऊपर दस परसेंट के हिसाब से नौ महीने का ब्याज सैतीस पाँच सौ हाँ अगर ये रिपेयर के लिए होता तो भी ये सेम ही रहता उसमें तीस कर दें ठीक है ना बेटा चलो जी ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइव वन एक चौवन पांच सौ के खत्म करो बेटा बढ़िया कैलकुलेटर ले चाइना नहीं छह महीने की बात है बात को समझ चलो कैलकुलेटर पे ध्यान से ठीक आ रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड रेंट तीन लाख एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का हाइपोथिकट एज्यूम करते हुए कोई भी अनरियलाइज नहीं है ठीक है जी हाइपोथिकेट एज्यूम कर लिया कोई भी अनरियलाइज्ड नहीं है एक्चुअल रेंट कम है कम का कारण पता लगाया तो अदर देन वैकेंसी है अदर देन वैकेंसी जब भी होता है तो एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं माइनस अनरियलाइज रेंट दो अस्सी चालीस दो चालीस बहत्तर और इंटरेस्ट आपने निकाली लिया सैतीस पांच सौ एक बहुत है इतनी प्रैक्टिस या और कराऊं हो गया पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा अनरियलाइज रेंट मेरी तरफ से भी वाइंड है आपकी तरफ से कोई क्वेरी है बोले नहीं मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलो बोले बेटा माइक दो भाई माइक वाले साहब ही गायब है केवल अनरियलाइज में पूछना बेटा हाँ सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया ठीक है ठीक है लोन कब लिया था लोन एक जुलाई 2023, ठीक है ना? पांच लाख का लिया था दस परसेंट के हिसाब से सारा लोन आउटस्टैंडिंग है रीपे कुछ भी नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूँ एक जुलाई 2023 को लोन लिया इकतीस मार्च 2024 तक सारा आउटस्टैंडिंग है ठीक है ना में तेईस चौबीस है ना भाई तो कितने टाइम के लिए लोन यूज करा जुलाई से लेके मार्च नौ महीने निकाल के देख ये आएगा पांच लाख के ऊपर दस परसेंट के हिसाब से नौ महीने का ब्याज सैतीस पांच सौ बढ़े आगे कॉन्सेप्ट नंबर टू को ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें वो भी निपटा के खत्म करें को ऑनर मतलब एक से ज्यादा ऑनर को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के क्या है बेटा एक से ज्यादा ओनर है दो मान लेते हैं एक मैं हूं एक आप हैं 50 50 परसेंट के हैं इक्वल को ऑनर हो गया बेटा आप और मैं 50 50 परसेंट दो केस बनेंगे या तो हमने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी होगी या वो प्रॉपर्टी हमने क्या कर रखी होगी बेटा सेल्फ ऑक्युपाइड मैक्सिमम दो केस हो सकते हैं या तो ये प्रॉपर्टी को ऑनर ने क्या कर रखी होगी लेट आउट या उन्होंने क्या कर रखी होगी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ऑनर हैं

म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर दो एन ए निकाल लो दोनों डिडक्शन क्या कर दो बेटा माइनस कर दो आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैपोती के डाटा ले रहा हूं सारा का सारा बेटा एक प्रॉपर्टी के आप और मैं 50 50 परसेंट ऑनर है वो हमने किराए पे दे रखी है ये हॉल हम इसके 50 50 परसेंट ऑनर है किराए पे हमने दे रखा है पहले कुछ नहीं करना है एज यूजल इसकी जीएवी निकाल लो दस लाख उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर दो, दो लाख एन निकाल लो पूरे ऑल की आठ लाख उसमें से तीस परसेंट के स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो चालीस ये माइनस कर दिया कोई इंटरेस्ट अगर ले रखा है वो इंटरेस्ट क्या कर दो साहब माइनस कर दो वो इंटरेस्ट भी क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया वो निकल के आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पांच लाख अब बता भाई कितने ऑनर है जी दो ऑनर है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट लाख का फिफ्टी परसेंट लाख मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल पांच लाख का फिफ्टी परसेंट ढाई लाख मिस्टर बी के हैंड में टैक्सेबल सर स्टार्टिंग से ही अलग अलग कर दो ना मिस्टर ए और मिस्टर बी को अलग अलग बेटा फजा जाओगे वहां सारी चीज प्रपोर्शन हो जाएंगी फिर म्यूनिसिपल फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट सारा ड्रामा क्या चल रहा होगा अलग अलग चल रहा होगा कितने सिंप्लीफाइड लो बना रखे हैं मान लो है, चार ऑनर है ए बी सी डी चार ऑनर हो गए बेटा ए बी सी डी इक्वल है इक्वल का मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर है तरीका तो ये भी बन सकता है कि चारों को अलग अलग सॉल्व करो एग्जाम में तीन घंटे होते हैं स्मार्ट स्टडी जब लोग खुद ही बोल रहे हैं एक बार हाई पोथी कर लो कि एक ही ऑनर है तो उसका सीधा जी निकाल लो एन निकाल लो इनकम अंडर द एड हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो हाइपोथिकेट एज्यूम कर रहा हूं पांच लाख आ गई इनकम लॉसेस बता कितने ऑनर है, है जी चार इक्वल ऑनर है, है पांच लाख इंटू वन बाई फोर ए के हैंड में पांच लाख इंटू वन बाय फोर बी के हैंड में पांच लाख इंटू वन बाय फोर सी के हैंड में एंड सो ऑन डी के हैंड में इतना टैक्सेबल होगा सर ओनरशिप ये भी तो हो सकता है कि थर्टी थर्टी फोर्टी परसेंट है मान लेते हैं तीन ओनर है मैं कह रहा हूँ परसेंटेज से क्या फर्क पड़ रहा है तीन थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट लेट आउट है आप बताना क्या होगा एज यूजल कर लो एक ही है। आ जाएगी बेटा उसको परपोशनेट कर दो थर्टी थर्टी फोर्टी की रेशियो में तो लेट आउट में तो कुछ नहीं करना उसके नीचे लिख दो फर्स्ट हाइपोथिकेट एज्यूम देर इज सिंगल ऑनर फर्स्ट

इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूजुअल मैनर पॉइंट वन लिखा बेटा आपने पहले हाइपोथेटिक रिज्यूम कर लिया सिंगल ओनर है फिर पॉइंट टू आपने बना दिया कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूजुअल मैनर और फिर पॉइंट नंबर थर्ड एंड लास्ट इनकम शो कंप्यूटेड शेल बी परपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईच को ओनर इनकम सो कंप्यूटेड इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी परपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईच को ओनर क्लियर? लेट आउट वाले पोर्शन में कोई दिक्कत सेल्फ ऑक्यूपाइड दो मिनट फोकस रखना है इसके ऊपर अगर दोनों ने ही क्या कर रखा है लेटेस्ट से बेटा सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है तो लॉ से दो ऑनर है मान लेता हूं दोनों ने सेल्फ ऑक्युपाइड है एनएवी ऑफ ईच को ऑनर Self -occupied में ने भी क्या होती है और को ओनर को क्या मिलेगी बेटा इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी पहला क्वेश्चन क्या अपर कैप लगेगी दो लाख या तीस हजार की से चलो बिल्कुल आराम से चलो। को ऑनर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है तो ईच को की अलग अलग एनएवी क्या आ जाएगी बेटा आएगी अलग अलग एनएवी नील आएगी तो स्टैंडर्डक्शन थर्टी परसेंट ऑटोमेटिक नेल इंटरेस्ट की क्या मिलेगी साहब डिडक्शन मिलेगी क्या अपर कैप लगेगी यस yes. सेल्फ के, के केस में अपर कैप लगती है दो लाख या तीस हजार नहीं है वो तो मुझे पता था आप आंसर दे दोगे क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना दो ओनर है ए एंड बी दोनों की अलग अलग एन ए नील इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी अलग अलग सेपरेटली दो लाख इसके दो लाख इसके या दोनों के मिला के दो लाख क्वेश्चन समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा जो अपर कैप है अलग अलग चेक कर रही है ए के लिए अपर कैप अलग बी के लिए अपर कैप अलग या दोनों के मिला के लिए अपर कैप दो लाख या तीस हजार की है आंसर इज सेपरेटली ईच को ऑनर इज सेपरेटली इंटाइटल टू हैव डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट विद सेपरेट अपर कैप ऑफ टू लैक थर्टी थाउजेंड एज द केस में भी मन से धन्यवाद अलग अलग दो लाख या तीस हजार कंसिडर करने हैं तो इसमें दो ही पॉइंट है बेटा पहला पॉइंट तो ये बन गया एन ऑफ ईच को ऑनर इज नील सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा बेटा ईच को ऑनर इज एंटाइटल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ईच को ऑनर इज इंटाइटल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट विद अपर कैप ऑफ टू लैख और थर्टी थाउजेंड एज द स में भी सेपरेटली अलग अलग मिलेगी ये एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर उसको बोला जाता है को ओनर एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं तीन चार कितने भी हो सकते हैं दो केस बनते हैं बेटा या तो वो उसको लेट आउट करेंगे या वो उसमें खुद रहेंगे सिचुएशन वन अगर लेट आउट करते हैं एक बार हाइपोथिकेट रेज्यूम करो इसका एक ही ओनर है एज यूजल जी ए वी एन ए वी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो और उसके शेयर में बैठा जो भी उनका शेयर है उस रेशो में उसको क्या कर दो प्रपोशनेट कर दो ये तो हुआ लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में को ऑनर सबकी एन रहेगी अलग अलग असेसमेंट होनी है बेटा सबको अलग अलग interest की रिडक्शन मिलेगी और सबके लिए अलग अलग अपर कैप है दो लाख या तीस हजार एस द केस में थियोरिटिकल कोई इश्यू बेटा अब इसके प्रैक्टिकल करा देता हूं बस मैं sure चलो करो 22 मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज द इक्वल को ऑनर बोल सकता हूँ ना 50 50 परसेंट अरे हाँ करो हाँ बस करो सॉल्व जल्दी से सर लेट आउट का थर्ड पॉइंट बता दो क्या लेट आउट में था यार अभी दो बार रिपीट तो कर दिया पहले आईपो टिकेट रिज्यूम कर ले भाई कि एक ही ओनर है पाइन नंबर वन पाई नंबर टू एज यूजुअल इनकम निकाल दे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और पाई नंबर थर्ड जो इनकम निकल के आ जाए उसको प्रपोशनेट कर दे को ओनर में <coughs> मैं यही सॉल्व कर दू बोलना जरा इसका स्टैंडर्ड रेंट सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है छ बीस परफेक्ट एक्चुअल रेंट छह लाख अनरियलाइज की कहानी कुछ नहीं है विच एवर इज हायर म्युनिसिपल टैक्स पेड चालीस हजार एन ए बी पाँच अस्सी स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट हाँ जी वन सेवेंटी फोर एटी थाउजेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अमच थ्री ट्वेंटी सिक्स बेटा तीन छब्बीस ए की इनकम है तीन छब्बीस बी की इनकम है या दोनों की है दोनों, दोनों की है तो इसमें एक ही कितनी होगी शेयर ऑफ मिस्टर ए तीन छब्बीस में उसका शेयर पचास परसेंट है आप उसके नीचे लिख ले लेना मेरे पास स्पेस नहीं है ठीक है ना बेटा तीन छब्बीस में उसका शेयर फिफ्टी परसेंट है एक तिरसठ मिस्टर बी तीन छब्बीस में उसका शेयर फिफ्टी परसेंट है तो जो थियोटिकल स्टेप बोले थे तीन पहला तो था हाइपोथरिट एज्यूम करें कि एक ही ऑनर है उसके हिसाब से फिर हमने स्टेप टू एज यूजल इनकम निकाल दी ये एज यूजअल सोल्व करा था और लास्ट स्टेप फिर उनका जो जो शेयर है उस रेशियो में बांट दो ये बांट दिया ठीक है स्पीड तेज तो नहीं है अगला करो ट्वेंटी थर्ड अब की बार अनरियलाइज भी है होता रहे नया कुछ नहीं है इसमें खेलो पचास हजार के हिसाब से पूरे साल लेट आउट एक महीने का अनरियलाइज दोनों अप्रोच से करना बेटा अप्रोच वन अप्रोच टू mm-hmm <clears throat> कर दिया दोनों अप्रोच बड़ी तो जल्दी कर दिया भाई सेम आ रहा है अलग आ रहा है कितना कितना टोटल बताना मुझे थ्री ट्वेंटी सिक्स और टू नाइन्टी फाइव ये टोटल हो गया फिर वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड टू नाइन्टी वन थर्ण। कर लिया चल असिस्ट कर बेटा क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री बुक क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री बुक अप्रोच वन इनकम टैक्स एक्ट अप्रोच टू आईटीआर बता बेटा एक्सपेक्टेड एंड बता दो मेरे को एक बार छः लाख बीस हजार एक्चुअल रेंट मंथली बताना पचास हजार कितने टाइम का एक्चुअल में जितना रियलाइज हुआ अप्रोच में ये बोलते हैं ना बेटा ग्यारह महीने का पांच पचास विच एवर इज हायर इज द जी ए वी म्यूनिसिपल टैक्स पेड है क्या क्वेश्चन में चालीस हजार पाँच अस्सी वन सेवेंटी फोर इंटरेस्ट एटी थाउजेंड या आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थ्री ट्वेंटी सिक्स ख़त्म नहीं हुआ ये इसके नीचे तीन थे दो थे ये ए बी सी है क्या नाम है ए बी सी शेयर ऑफ मिस्टर ए तीन छब्बीस इंटू वन बाय थ्री वन ज़ीरो एट सिक्स सिक्स सेवन शेयर ऑफ मिस्टर बी ऑफ मिस्टर सी आखिरी वाले को छह छोड़ दू ना तीनों का टोटल तीन छब्बीस है सर गलती से हम सात ले लें तो तो भी ठीक है इनकम टैक्स इसमें नंबर नहीं काट देगा क्या आपको लगेगा चेक करने वाला है यहां सात की जगह छह ले लिया है सात ले लिया वो इन चीजों में नहीं है वो

है भाई अप्रोच टू एक्सपेक्टेड रेंट छह लाख बीस हजार एक्चुअल रेंट आईपोथिकुम करें सारा रियलाइज है विच एवरेज हायर उसमें से माइनस होता है बेटा आपका अनरियलाइज कितना होता है फाइव सेवेंटी एम टी पेड चालीस पाँच तीस वन फिफ्टी नाइन वन सेवेंटी नाइन होता है पाँच लाख तीस हजार का टू नाइनटी वन ट्रिपल जीरो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चलो भाई शेयर ऑफ मिस टू नाइंटी वन में इक्वल शेयर टोटल तीन राउंड फिगर नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन नाइंटी सेवन नहीं आया ना पक्का अगला चैलेंज है बेटा चॉकलेट चो, वाला तो नहीं है हालात है चॉकलेट 24 फर्स्ट मोर एडवांटेज है क्या कर सकते नास ऐसे नहीं भाई ये मजा नहीं चॉकलेट नहीं है भाई चैलेंज ऐसे नहीं भाई क्या आया वैसे आंसर चवालीस पांच सौ पॉजिटिव नेगेटिव सोच ले खेलो। एक हाउस की तीन यूनिट है एक किराए पे दे रखी है बाकी में खुद रह रहे हैं तीन फ्लोर मान लेना ना एक एक फ्लोर पे तो ये खुद रह रहे हैं एक फ्लोर इन्होंने किराए पे दे रखा है कह लो बच्चे के दिमाग में प्रैक्टिस चल रही है सर फिर तो एक ही प्रॉपर्टी लेके फैमिली के अलग अलग मेंबर को को ऑनर बना दो बना दे बेटा प्रॉपर्टी तो गई टैक्स तो तूने बचा लिया प्रॉपर्टी तो गई वो कह रहा सर मेरे दिमाग में एक प्लानिंग आ रही है टैक्स बचाने का तरीका बताता हूँ आपके जो घर है ना वो पाँच जनों के नाम कर दो अपने भाई के नाम भाभी के नाम वाइफ के नाम इनके नाम पाँच को ओनर हो जाएंगे सब सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दो सबकी अन्य वीन एल वो बेटा टैक्स तो बचा देगा दो दो लाख का बेनिफिट ले जाएगा प्रॉपर्टी के पांच हिस्से हो गए नौ तो इसको एक रहा है? बात तो ठीक है बेटा गलत हो जाएगा ठीक है टैक्स बच जाएगा नालायक प्रॉपर्टी चली जाएगी हाथ से अपने फादर को ये सलाह दे कि पापा जी जितनी भी बुआ जी है उन सबके नाम कर दो एक्स बचेगा देख फिर बेटा वहीं चपेट पड़ेगी नालायक बोले इसमें इंटरेस्ट तो बता ही नहीं रखा किसमें ये वाला कितना बड़ा बड़ा लिखा है तीन साठ बताया था ना साइलेंट होता है तो किस लिए होता है फिर टाइम पास कर रहा ना तुम सर हमारा भी मन कर रहा है कुछ तो पूछे हम भी हमारा भी योगदान हो चलो आधे नालायक बातें कर रहे हैं सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन ट्वेंटी फोर थोड़ा एसिस्ट करना मेरे को नहीं बार बार उधर जाना पड़ेगा सबसे पहले मैं ले लेता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ने क्या कर रखी है एक एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों की अलग अलग नील एन एवी डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट ऑटोमेटिक नील इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस टोटल इंटरेस्ट बताना पूरे हाउस का कितना है पूरे हाउस का तीन लाख साठ हजार ये तो पूरे हाउस का है हाउस में यूनिट कितनी है तीन तो एक यूनिट के रिगार्डिंग कितना होगा एक लाख बीस हजार साइलेंट जब भी होता है एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए रिपेयर तभी लेना जब क्वेश्चन स्पेसिफिक हो और जब भी साइलेंट है तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है बताया था ना '99 के बाद है के लिए एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन बेटा पांच साल के अंदर निपट गई तो अपर कैप दो लाख की बनती है पर इनका तो बन ही कम रहा है आराम आराम से बोले मतलब तो दोनों ने एक एक लिया होगा या वो उससे घर में घुस है और वो उससे घर में जाके रह ज्यादा एनालाइज बेटा पैरालाइज करता है मेरे लाल मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस ठीक है अगर मैं बोलूं रिलायंस तो मन में क्या इमेज जाएगी रिलायंस कंपनी सर मैंने अपने बच्चे का नाम रिलायंस रखा हुआ है सो मैं क्या कह रहा हूं ज्यादा एनालिसिस नहीं बेटा लेकर डूब जाता है वो कई बार चलो आ गया लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट इसमें कोई किंतु परंतु ओके है बढ़ू आगे अब आ जाओ लेट आउट पोर्शन लेट आउट पोर्शन म्यूनिसिपल वैल्यू बोलना बेटा पूरे हाउस की बोलना ग्यारह लाख पूरे हाउस की है ये तो एक यूनिट की कितनी होगी थ्री सिक्स 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 सेवन आगे क्या फेयर रेंट है फेयर रेंट बारह लाख पूरे हाउस का है तो एक यूनिट का होगा चार लाख स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो एक्सपेक्टेड रेंट चार लाख एक्चुअल रेंट बता बेटा एक्चुअल रेंट तीस हजार रुपए महीना देर फॉर जी ए वी चार लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नब्बे हजार पूरे हाउस के हैं तो एक यूनिट के कितने होंगे तीस हजार एन ए तीन सत्तर माइनस डिडक्शन अंडर ट्वेंटी फोर स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट एक लाख ग्यारह हजार बी इंटरेस्ट तीन लाख तीन लाख साठ हज़ार था ना? साठ हजार पूरे हाउस का है तो एक यूनिट का कितना होगा एक लाख बीस हजार हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट कितनी है वन थर्टी नाइन शेयर ऑफ मिस्टर ए शेयर ऑफ मिस्टर बी इन फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन फाइव हंड्रेड खत्म नहीं हुआ अभी अब इसको नेट करो ए बी लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन कितना था बेटा एक लाख बीस हजार इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन सिक्सटी नाइन फाइव हंड्रेड यह आएगा बेटा नेट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना ये आंसर है नालायक चटपटे से आंसर दे रहे थे ले बेटा ले ले नाराज़ सभी ना होना होता है क्या आ रहा था एक चवालीस कैसे आ रहा था तेरा भी कौन सा ठीक आ रहा था तो की तो बड़ बड़ थी बस ठीक है ऐसा और कराऊं बेटा कंफर्टेबल हो अगले कॉन्सेप्ट चलू या इसी की अभी और प्रैक्टिस कराऊ कॉर्नर की कॉर्नर का एक और कराओ सर एक और करो अपना एग्जांपल बनाओ बुक में और नहीं है और इसमें कोई दिक्कत ठीक है चलो जी एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल एटीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज द इक्वल को इज द इक्वल ऑनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी Located in Delhi, which has four identical unit, which has four identical unit Unit One Let out. मंथ्लींट ऑफ थार्टी थाउजेंड फोर होल इयर यूनिट टू लेट टू अनेंटलीट Of rupee forty thousand for seven month. For remaining five month, property lying. Khali vacant. Tenant. ज यूजिंग सच प्रॉपर्टी इनहेज बिजनेस प्रोफेशन एक ही क्वेश्चन है भी कर लो टीन किसमें यूज कर रहे पीजीबीपी में टीन एंट किसमें यूज कर रहे हैं पीजीबीपी में अच्छा हाँ सर ये तो फिर चला जाएगा पीजीबीपी ठीक है यूनिट थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय एक्स वाई है ए बी है ए बी सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर ए यूनिट फोर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर बी यूनिट वन के बाद एक लाइन बची हुई है थोड़ा सा परेशान कर दूं नहीं बची हुई तो काटा पिटी कर लो आउट ऑफ थर्टी थाउजेंड फाइव थाउजेंड रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर कंपोजिट रेंट है ये तीस हजार इसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं करी अभी तक हमने पाप होता था एग्जाम में आ जाएगा तो तुम्हें तो एक मिनट लगेगा आउट ऑफ सिलेबस बोलने में तीस हजार कंपोजिट रेंट है उसमें से पांच हजार किसका है फर्नीचर का और प्लांट एंड मशीनरी का तीस प्लस पांच है या पांच तीस में से है तुम्हारा इंग्लिश में भी हार्ट टाइट है आउट ऑफ थर्टी तीस में से है ये ज़्यादा इंटरनी। नहीं चलो अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस 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 इस पर झगड़ा नहीं होना चाहिए रुक जाओ तीस हजार इंटू बारह तीन साठ चालीस हजार इंटू बारह चार अस्सी चार अस्सी और तीन साठ चार और तीन साठ आठ लाख के आसपास यानी कि पंद्रह सोलह लाख के आसपास पहुँचो म्यूनिसिपल कुछ नहीं म्यूनिसिपल वैल्यू पंद्रह लाख फेयर रेंटल वैल्यू अट्ठारह लाख स्टैंडर्ड रेंट लेता ही नहीं मैं म्यूनिसिपल टैक्सेज दो लाख पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस आठ लाख चालीस हजार अब चैलेंजर चॉकलेट क्वेश्चन है फर्स्ट मोर एडवांटेज कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चॉकलेट में पहले बेटा डिस्प्लेमर ले लू दो सौ वाली मुझे नहीं पता तुम कौन सी खाओ बेटा किस पे हाथ लगा दो टू हंड्रेड फर्स्ट मोर एडवांटेज इसका सबसे पहला आंसर ठीक होगा चाहे वो ऑनलाइन है चाहे फेस टू फेस है नौ बज के सात मिनट मैक्सिमम टाइम दस मिनट है इससे ऊपर भी नहीं कई हर्डल लगा दू ना इधर उधर के खेलो चॉकलेट के चक्कर में भागम भाग भी मत करना कॉन्सेप्ट चलते रहना सर लास्ट वाली तो अभी भी नहीं मिली दे चुका हूं मैं बच्ची ये है बच्ची को नहीं। को कर दे मेरे दृष्टि से देख रहे हैं तुरंत पेटीएम कर दिया था मैंने भाई ये क्वेश्चन कर दिया मजा आ जाएगा मैं खुशी के मारे मेट्रो ग्रावे जाऊंगा अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा बेटा मेरे दो सौ का स्टेक है भाई हाँ वैसे पूछ वैसे तो बता दूंगा मैं नहीं बता रहा मैं तो पढ़ा चुका हूं अब तू दिमाग लगा बेटा कंपोजिट रेंट क्या होता है आ, देखा था बेटा फाउंडेशन में पढ़ा था ये ये कुछ होता है दिन से लगातार रिवाइज करा रहा हूं नालायकों तो तुम्हारे ये हालात है अपना कर भाई अपना कर मत उससे क्यों पूछ रहा है फीस मेरे को दे रहा है पूछ उससे रहा बता से पूछ अच्छा रेंटी गलत लिख दिया गया तो पड़ोसी से पूछना पड़ोसी ने भी गलत लिखा हुआ है अच्छा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो अभी तो यार तुम ना ना ऐसा कुछ नहीं है आंसर देखिए अभी चटपट आएंगे बेटा चेंज नहीं करने दूंगा सोच ले तसल्ली से जो बता दिया फिर दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड एक मिनट रुक जा इसको कैसे लिखूं मैं इसको मैं लिखता हूं ऐसे ए बी नाम पता अच्छा लास्ट लास्ट में आप ही की तो चॉकलेट थी वंशी का की स्पेलिंग नहीं बताया ऐसा कर देता हूँ बोल ए की इनकम या लॉस सेवेंटी थाउजेंड ए का लॉस बी का बता अच्छा दोनों का अमाउंट भी सेम आ रहा है सोल्व तो कर ले बेटा दोनों का लॉस सेवेंटी थाउजेंड चेंज नहीं करने दूंगा अब भाई गजब स्पीड हो जाएगी दो मिनट में आंसर आया तो आधे तो भी क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे अब कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे अब कुछ नहीं होगा इसलिए मैंने बोला था टाइम ले ले अब दूसरे का चांस है इसलिए तो मैं कह रहा था टाइम लो आंसर क्या लिख रखा है अब नहीं सुनूंगा मैं चेक कर ले बेटा दोबारा चांस नहीं होगा नाम बता रिजुल बोल बेटा वन लैख फोर्टी थाउजेंड ईच इनकम या लॉस वन लैख फोर्टी थाउजेंड इच लॉस एक लाख पैंसठ हजार क्या लॉस दोनों में बराबर एक पैसठ इसका एक पैसठ इसका लॉस नाम बता बेटा विशेष दोनों में दो 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 लाख दू लाख ना लायक नाम बता बेटा सुनाई नहीं दे रहा यार ई ए वाई ए महाराज ऐसे याद रखूँगा 189 एटी नाइन फाइव हंड्रेड लॉस जैन साहब क्या नाम नाम क्या था नाम भूल गया जैन साहब याद है सम्यक नाम था एक चौवन कितने सारे आंसर आ रहे हैं यार एक चौवन पाँच सौ का लॉस एक बार मैं ऑनलाइन भी देखूँ एक चालीस ईंच तो आ गया नाम बताइए बेटा मोहित भाई ये मेट्रो का पहला कोच यहां से क्यों नहीं आंसर आ रहा मैं कूद जाऊंगा आज 189 एटी नाइन तो आई थिंक आ गया था आ गया था ये तो भाई ये नहीं अब दो लाख दस हजार पांच सौ भिन्न भिन्न किस्म के आंसर हैं एक मिनट नाम ना बता बेटा गुन गुन ऐसे कर देता हूं वन फोर्टी एक चालीस पांच सौ एक चालीस पांच सो नाम बतांग क्लासेस वन सेवेंटी ट्रिपल जीरो दोनों में लॉस इनकम वन सेवेंटी नाइन लॉस दो पैंतीस पांच भाई कितने आंसर हो गए यार ये क्या चल रहा है ये मेरे को डर हो जाएगा यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे नहीं आ रहे बस अब तुम अपने पास आंसर संभाल कर रखना मैं चेक कर लूंगा आपने आप 189 तो आ गया कितने आंसर आ रहे हैं यार एमसीक्यू तो इसका क्या बनेगा पता नहीं नो लाख <laughs> नो लाख पंद्रह हजार तो टोटल तो मिला के भी नहीं बन रहा होगा यार ठीक नहीं है भाई लड़का 189 लॉस 179 ये सारे आंसर आ गए भाई एक लाख बीस हज़ार इनकम फॉर बॉट एक चालीस के आसपास थोड़ा लग रहा है हो सकता है एक चालीस पांच सौ था वैभव का 189 500 आ गया था सम्यक का एक बयालीस सौ कोई नहीं है वो देख लूंगा फिर मैं रजिस्टर चेक कर लूंगा चलें करवाऊ पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड निपटा दूंगा थोड़ा छोटा होता है चलो नकल मारने पे ध्यान दो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स ए और बी मिस्टर ए मिस्टर बी सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में एन एवी नील होती है बहुत बढ़िया अब कुछ नहीं है। शांत हो जाना लाइक। अब चॉकलेट का रैपर भी नहीं मिलेगा <laughs> <laughs> चलो लेस डिडक्शन एंड सेक्शन ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट नल नल बी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस अब की बार इंटरेस्ट कितना है टोटल आठ लाख चालीस हजार ये चार यूनिट का है कईयों ने इसको डिवाइड बाय तीन करा होगा बेटा पक्का ये चार यूनिट का है बेटा एक यूनिट का कितना होएगा दो लाख दस हजार पर अपर कैप लगेगी सेल्फ के ऑक्यूपाइड केस में अपर कैप लगती है तो अपर कैप लग जाएगी कितने की दो लाख दो लाख चलो एक का आंसर तो यही बताया था एक नालायक ने तो दो लाख दो लाख वो आगे बढ़ाई नहीं होगा एक तो ये भी आंसर था मेरे पास इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट इनकम इंक्लूड नेगेटिव इनकम यार तुम्हारा क्या होगा ब्रैकेट में लिख दूंगा ना इनकम इंक्लूड नेगेटिव इनकम भाई पर तुम्हारा मन नहीं मानेगा मुझे पता है तुम मुझे दुखी करोगे लॉस एक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत कहीं है नेसेसरी की भागम भाग हो जाए ओके okay, रिपोर्ट अब आ जाओ लेट आउट पोर्शन लेट आउट में मैं दोनों को इकट्ठा निपटाता हूं यार टाइम बचेगा लेट आउट पोर्शन यूनिट वन और यूनिट टू थी unit one, unit ना यूनिट वन यूनिट टू समझ लेना इसमें कॉन्सेप्ट है पहले म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे हाउस की बताना मुझे पंद्रह लाख पूरे हाउस की है तो एक यूनिट की तीन पिचहत्तर सर यूनिट टू तो पीजीबीपी पी में जानी चाहिए टीन एंट उसमें अपना बिजनेस कर रहा है तो टीन उसमें कुछ भी करे ओनर अपना बिजनेस करता तो जाती ना पीजीबीपी पी में ये दोनों यूनिट हाउस प्रॉपर्टी में आएंगी दोनों ही किराए पे हैं दोनों ही यूनिट किराए पे हैं बेटा हाउस प्रॉपर्टी में आएंगी अच्छा ठीक है सर म्यूनिसिपल वैल्यू तीन पिचहत्तर फेयर रेंट कितना था अट्ठारह लाख डिवाइड बाय चार साढ़े चार लाख यूनिट टू में तो कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा की हाउस प्रॉपर्टी में क्यों हमने तो किराए पे दी ना टीनेंट उसमें चाहे रहे चाहे बिजनेस करे ठीक है सर एक्चुअल रेंट प्लीज ध्यान देना प्लीज यूनिट वन तीस हजार रुपए महीने पे, पे लेट आउट है ये कंपोजिट रेंट है इसमें से पांच हजार रुपए प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का है ये पांच हजार रुपए पीजीबीपी में जाएगा या अदर सोर्स में जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में जो आएगा पच्चीस हजार इंटू बारह इसको हाईलाइट कर दो रिवीजन के टाइम के लिए कोई तीस इंटू बारह क्यों नहीं करा तीस हजार सर कंपोजिट रेंट है और सेग्रीगेट हो रहा है सेग्रीगेट हो रहा है तो अलग अलग करो इसमें से फैसिलिटी वाला है पांच हज़ार तो सुपर स्ट्रक्चर वाला कितना होगा बेटा पच्चीस हजार तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में केवल सुपर स्ट्रक्चर वाला आता है तो पच्चीस हजार इंटू बारह इधर कितना था बेटा चालीस हजार इंटू सात दो लाख अस्सी हजार चलो जी सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो इधर साढ़े चार ये भी साढ़े चार कंफर्टेबल हो ना जी ए वी यूनिट वन लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर यूनिट वन लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर तो इसकी जीएवी तो आ जाएगी बेटा साढ़े चार नहीं आ रहा समझ में सर पक्का यूनिट टू पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट एक्चुअल रेंट कम है कम का कारण पता लगाओ बेटा पूरे साल लेट आउट करके देखो चालीस हजार इंटू बारह चार लाख अस्सी हजार ये क्या हो जाता है बेटा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता पर अब ये कम है यानी कि कम का कारण क्या है वैकेंसी जेनविन केस है जेनुइन केस होता है तो एक्चुअल रेंट इज द जी ए वी यहां तक कोई दिक्कत भागम भाग मत रखना श्योर sure ना, एक तो इसको थोड़ा हाईलाइट रखना बेटा वो अलग बात है चाहे तीस इंटू बारह लेते चाहे पच्चीस इंटू बारह लेते आंसर ये आ रहा था पर कॉन्सेप्ट अपने को क्या लेना है पच्चीस इंटू बारह ना माइनस एम टी पेड दो लाख थे दो ही थे ना दो लाख डिवाइड बाय चार हर प्रॉपर्टी का पचास हजार एन कितना माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट एक लाख बीस हजार सिक्सटी नाइन थाउजेंड माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस आठ लाख चालीस हजार पूरे हाउस का है हाउस में चार यूनिट हैं तो एक यूनिट का होगा दो लाख दस हजार और अपर कैप कोई नहीं लगेगी लेट आउट पोर्शन है ना लेट आउट में कोई अपर कैप नहीं होती जाएगी बेटा इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन हाउ मच इधर सेवेंटी अच्छा लॉस आ रहा है चलो ये तो और बढ़िया हो गया यार शेयर ऑफ मिस्टर ए फिफ्टी परसेंट शेयर ऑफ मिस्टर बी फिफ्टी परसेंट पैंतीस पैंतीस चौबीस पाँच सौ चौबीस पाँच सौ चौबीस पांच नेट करते हैं इनकम फ्रॉम नहीं इनकम नहीं थी लॉस था लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड Portion. दो, दो लाख था ना लॉस फ्रॉम लेट आउट यूनिट टोटल लॉस ठीक है, लिख रहा हूं यार भाग थोड़ी ना गया इनकम फ्रॉम लेट आउट योर नेट कितनी थी पैंतीस पैंतीस ये आंसर है इनकम आ रही है नेट इनकम नेट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना पाई भाई ये आंसर था किसी का दो सौ गए वन एटी नाइन ये है आंसर किस पॉइंट को रिपीट करूं एक क्वेरी जो कई बार मेरे पास आ जाती है बैच में वो शायद कहीं आपके दिमाग में भी क्लिक कर रहा है बड़ी पता नहीं। क्वेरी बोलूँ या नॉन साइंस सर हमने पढ़ा है माइनस माइनस प्लस होता है मतलब वो उसको कह रहा है कि लॉस और लॉस इनकम हो जाती है फिर मैं बच्चे को समझा रहा हूँ बेटा तेरा दस का नोट खो गया फिर तेरा पचास का नोट खो गया तो तेरे को साठ पा गए तो लॉस में लॉस तो लॉस ही हो जाएगा ना चलो कहीं इसको इनकम मत कर देना समझ में आ गया ना ये है कॉन्सेप्ट बेटा आपका वन एटी नाइन फाइव हंड्रेड आंसर था एक चेक करने दो सम्यक जैन ओ तो भाई तुक्का तो नहीं लगा था तुक्का भी नहीं लग सकता परफेक्ट है बहुत बढ़िया भाई जिसने दो लाख बताया था नालायक ये तुमने सेल्फ ऑफ्यूबा आगे निकला था क्या इसके बाद अच्छा मुझे लगा के सर सौ में से पचास ही लाने कौन इतनी मेहनत करे आधा क्वेश्चन करो चलो परफेक्ट है भाई बहुत बढ़िया हाँ भाई निपटा के अभी खत्म करो कैश को अभी देता हूँ बेटा पीछे आ गया क्लैपिंग बनती है तेरे लिए बहुत है इतने और कराऊं? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे रेंट डूब गया पास्ट में फ्यूचर में अगर ये रिकवर हो जाए तो पास्ट में टीन एंड बेटा रेंट लेके भाग गया था अंडरग्राउंड हो गया था फ्यूचर में उसने साधना चैनल देखा आस्था चैनल देखा उसको लगा ओ हो किसी के पैसे मार के नहीं भागने चाहिए वो नारायक क्या हो रहा है अब वो क्या कर रहा है अरियर को पे रिकवरी हो रही है बेटा अनरियलाइज रेंट की अब उसकी क्या ट्रीटमेंट हो समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं एक अनियलाइज रेंट हुआ था पास्ट में हमने उसकी रिडक्शन क्लेम कर ली फ्यूचर में क्या हो गया बेटा ये रेंट रिकवर हो गया कारण कुछ भी हो सकता है जी टीन की बेटा अंतरात्मा जाग गई नहीं नहीं किसी का पैसा लेके नहीं भागना चाहिए अब वो नलायक क्या कर रहा है बेटा वो पे कर रहा है अब रिकवरी हो रही है लैंडलॉर्ड को अब इसकी क्या ट्रीटमेंट हो ये अपना अगला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा बनेगा थ्री रिकवरी ऑफ अनियलाइज रेंट ये पीछे करता बेटा नहीं मुझे जाना पड़ेगा इनसे दे देना बैठे बैठे दे दे अरे इनसे पीछे पूछते रहेंगे अरे पूछा देना कहीं रस्ते में गायब हो जाए ये एक, -एक गवर्नमेंट फंडे में लियो बेटा एक बार बच्चे पहुंचा दे वहां तक पाप लगेगा पाप चलो हाँ बोले बोले नहीं नहीं पूरे ऐसे नहीं पूरे हैं पूरे चॉकलेट ले लियो भाई मुझे नहीं पता कौन सी पसंद है और एक अपर कैप लग गई है आ, जो भी है ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसके बिना हाउस प्रॉपर्टी अधूरा है एग्जाम में मिलेगा ही रिकवरी ऑफ अनियलाइज रेंट कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कॉन्सेप्ट वन और थ्री में डिफरेंस क्या है पहले तो ये बता दो मैं सब पढ़ा देता हूं आधो को तो ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होता कॉन्सेप्ट वन क्या था रेंट डूब गया ना लायक रेंटी लेके भाग गया कॉन्सेप्ट थ्री क्या जो रेंट डूबा था वो क्या हो रहा है साहब रिकवर हो रहा है टेनेंट को लग रहा है जी किसी के पैसे लेके नहीं भागने चाहिए अब वो रेंट क्या हो रहा है बेटा रिकवर हो रहा है उस रिकवरी की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए आप निर्मला सीतारामन बेटा क्या कानून बनाएंगे पट्टे मार पहले आपकी ओपिनियन तो लू मैं पास्ट में एक रेंट डूबा था और मैंने वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी थी प्रीवियस ईयर मान लेते हैं उन्नीस बीस उन्नीस बीस में मुझे दो लाख का अनरियलाइज रेंट हुआ और मुझे उसकी रिडक्शन मिल गई थी

और आपको उसकी डिडक्शन मिली थी अगर प्रेजेंट में रेंट रिकवर होता है सच रिकवरी शेल बी टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। दोबारा बोलता हूं अगर पास्ट में आपको कोई अनियलाइज रेंट हुआ है जिसकी आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी थी रिडक्शन क्लेम कर ली थी वो रेंट अगर आपको फ्यूचर में रिकवर हो गया तो जिस भी साल रिकवर होगा ये उस साल क्या हो जाएगा साहब टैक्सेबल

एक दो इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं चेक करना कौन सी ठीक है एक रुपया भी रिकवर हो ग्रॉस रिकवरी पूरी दो लाख टैक्सेबल कर देंगे याकेंड रिकवरी शेल बी टैक्सेबल ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस जितना जितना क्या होता है बेटा रिकवर होता है उतना उतना क्या होता है साहब टैक्सेबल होता है तो इससे पहले आगे चले इसी को एग्जाम्पल में कन्वर्ट करता हूं छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं बेटा लिखो एग्जाम्पल नंबर अरे बोलो 19. कोई भी प्रीवियस ईयर ले लो प्रीवियस ईयर था भला जमाना उन्नीस बीस मुझे एक अनियलाइज रेंट हुआ रेंट मेरा डूब गया एक लाख का मुझे इसकी डिडक्शन मिल गई मुझे इसकी डिडक्शन मिल गई मैंने पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी होंगी पांचों कौन सी थी भाई टी नेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए टी के पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए टी ने बेटा प्रॉपर्टी को खाली कर दिया हो लैंड सारी कोशिश कर चुका हो और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ए क्या होना चाहिए नालायक सेटिस्फाइड होना चाहिए ठीक है जी वो पांचों मैंने सेटिस्फाइड कर दी थी मुझे डिडक्शन मिल गई ये टाइम है टाइम टाइम बढ़ते 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 बढ़ते, बढ़ते। कहां पर आ गया तेईस चौबीस में ये है इसी साल क्यों रिकवरी हो रही है क्योंकि सिलेबस में ये है हमारे इस साल रिकवरी हो गई इस साल रिकवरी हो गई रिकवरी ऑफ रेंट। इसमें टाइम लगाना बेटा क्योंकि ये सेम कहानी पीजीबीपी में आएगी वहां पर है रिकवरी ऑफ बेड डेट बेड डेट हो गई डिडक्शन क्लेम कर ली बाद में बेड डेट रिकवर हो गए तो मैं बोलूंगा सेम एज अनियलाइज रेंट ठीक है यही टाइम लगा लो जो लगाना है रिकवरी हो गई केस ए वो पूरा ही सुधर गया एक लाख दे दिया केस बी पचास हजार केस सी नालायक ने खाली दस हजार दिए जो आ जाए बढ़िया है हमें क्या दिक्कत है कुछ आ ही रहा है बोले बेटा रिकवरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी होगी रिकवरी टैक्सेबल होगी केस ए में एक लाख ध्यान से सुनना बस एक चीज हो रहा है लॉनेक्स को बेटा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया तीस परसेंट की इसमें से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी हंड्रेड परसेंट टैक्सेबल नहीं होती बेटा तीस परसेंट की इसमें से भी क्या मिल जाएगी साहब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी Assessi के फेवर में है अगेंस्ट चुपचाप बेनिफिट ले लो बेटा एक लाख की रिकवरी है पर पूरा एक लाख टैक्सेबल नहीं होगा कितना टैक्सेबल होगा बोलो ये याद रखना एक लाख माइनस तीस परसेंट सत्तर हजार टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इस केस में कितना टैक्सेबल होगा 135 50 में से 30% 135 दक्कन देना से ऊपर से कौन था ये ईरान नाला है कितना हो गया 35 याद रखना अनरियलाइज रेंट में से 30% की क्या मिलती है साहब स्टैंडर्ड डिडक्शन मन से धन्यवाद है लोगों बेटा जिस दिन लोग आया था बेंच पे खड़ा हो गया था मैं मन से धन्यवाद दिया था लोगों बैठ गया था कितना बढ़िया लो तीस क्या मिल रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है सर हमारे कॉलेज में ऐसे पढ़ा रहे हैं रिकवरी सत्तर टैक्सेबल होती है वो भी ठीक पढ़ा रहे हैं सर हम सी में हैं बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोटे कॉलेज में ऐसे कुछ पढ़ाते नहीं है यहाँ पर वहां तो बस जीए भी निकाल के छोड़ देते हैं सर हम एस आर सी सी में पढ़ रहे हैं वहाँ आहुजा जी हैं वहां सिंघानिया जी हैं वो तो ये पढ़ा रहे हैं रिकवरी केवल सत्तर परसेंट टैक्सेबल होती है सत्य वचन थर्टी परसेंट की क्या मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा रिकवरी इज टैक्सेबल ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस जितना जितना मिलेगा उतना उतना टैक्सेबल और उसमें से भी क्या मिलेगी 30 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आ रहा सर समझ में तो लिख लो इसके नीचे दो इंपॉर्टेंट नोट हो गए ना पहला रिकवरी इज टैक्सेबल ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस प्रोग्रेसिव की हिंदी लिख लो ना जितना जितना मिलेगा उतना उतना टैक्सेबल मुझे दुखी करोगे रिकवरी इज टैक्सेबल ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस ब्रैकेट में जितना जितना मिलेगा उतना उतना टैक्सेबल ठीक है भाई और पॉइंट नंबर टू स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट इज अवेलेबल स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट इज अवेलेबल अगेंस्ट रिकवरी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ थर्टी परसेंट इज अवेलेबल अगेंस्ट रिकवरी ठीक है एग्जाम्पल 19 में कोई दिक्कत इधर उधर मत भटकना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए शो एग्जाम्पल ट्वेंटी कई बच्चे फंसेंगे इसमें चेक करता हूं कोई भी एक भला जमाना प्रीवियस 18, उन्नीस कुछ भी मतलब रेंट हुआ था एक लाख का रट मत लेना कि एक लाख ही डूबता होगा दिमाग में फिगर सेट मत कर देना कि लाख ही डूबता होगा अनरियलाइज रेंट हुआ एक लाख का मैंने पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी और मुझे डिडक्शन मिल गई मैं खुश हूं मुझे क्या मिल गई डिडक्शन मिल गई ये टाइम है टाइम बढ़ते 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 कहाँ पर आ गया तेईस चौबीस में क्यों सिलेबस में हाँ बोलो ना ऐसे ताकि याद रहे ये सिलेबस में तेईस चौबीस है ना सर तभी तो हम पढ़ेंगे रिकवरी हो गई एक लाख पूरा एक लाख आगे कुछ ना बोलूं तो क्या आंसर होगा ये रिकवरी टैक्सेबल होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन तीस परसेंट के बाद अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नई चीज क्या है ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस में मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी मेरे पास ये हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है हो सकता है मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये रिकवरी हो तो रही है पर जिस टाइम रिकवरी हो रही है उस टाइम मेरे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है पहले के सालों में प्रॉपर्टी क्या कर चुका हूं बेटा मैं सोल्ड आउट कर चुका हूं मेरा क्वेश्चन आपसे रिकवरी टैक्सेबल हो या ना हो दूसरा अगर हो तो किस हेड में हो दोनों क्वेश्चन रिपीट कर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ये तो फैक्ट है क्वेश्चन क्या है जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहला क्वेश्चन रिकवरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन भी क्यों अराइज हुआ है सर प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी बेच चुका हूं मैं तो उसके बाद रिकवरी हो रही है और दूसरा अगर रिकवरी टैक्सेबल है तो किस हेड में है दो क्वेश्चन पहला रिकवरी टैक्सेबल है या नहीं अगर है तो किस हेड में तो एक तो आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है अगर है तो किस हेड में तो आंसर क्या होगा रिकवरी टैक्सेबल तो है रिकवरी टैक्सेबल तो है हा बेटा निर्मला सीतारामन जी हैं आप कानून बना रहे हैं आप किसमें अदर सोर्स अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स कोई सैलरी पीजीबीपी या कैपिटल गेन वाला कोई शुक्र है झगड़े दो ही है या तो ये हाउस प्रॉपर्टी में होगी या ये किसमें होगी बेटा अदर सोर्स अब लॉजिक से अदर सोर्स में क्यों क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है बहुत बढ़िया आपने हाउस प्रॉपर्टी में क्यों सच रिकवरी शेल ऑलवेज टेक्सीबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस लो ने बोला डिडक्शन कौन से हेड में ली थी हाउस प्रॉपर्टी में तो रिकवरी हमेशा और हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगी साठ टैक्सेबल होगी वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नहीं है रिकवरी शेल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तो ये था बेटा अपना एग्जाम्पल ट्वेंटी सच रिकवरी शेल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और कितना टैक्सेबल होगा भाई पूरा एक लाख मत कर देना सत्तर परसेंट तीस परसेंट तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ना ठीक है और एक नोट डाल दो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट ये आज की व्हाट्सएप डीपी होनी चाहिए आपकी

House property, whether or not house property is in existence. लॉजिक क्या है बेटा इसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्लेम करी थी तो रिकवरी भी कहां पर टैक्सेबल होगी ऑलवेज और ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी जिस हेड में डिडक्शन है उसी हेड में रिकवरी टैक्सेबल होती है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी में कोई क्वेरी ट्वेंटी में पूछना बेटा केवल माइक साहब को सर ये आ, लास्ट में इनकम में ऐड होगा सेवेंटी थाउजेंड या एनएवी में यार ये कहाँ जाएगा वो मुझे अभी मतलब नहीं इसमें क्या दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत वो जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जब बताऊंगा पहले पूरा क्वेश्चन एज यूजल सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको आखिरी में करते हैं ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट अभी इस पर टिके रखना यार ठीक है अगला प्रीडिसेसर को अनरियलाइज रेंट हुए थे पप्पा पापा 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 को को हुए थे पापा की हो हो गई गई बेटा बेटा में आ गई सन के पास और सन को क्या रही है है किसने करी थी कहीं एग्जाम में हस्बैंड वाइफ आ जाए समझ में आ रहा है प्री ने क्या करी थी बेटा डिडक्शन क्लेम करी थी रिकवरी हो रही है किसको बच्चे सक्सेसर को ये रिकवरी टैक्सेबल हो या ना हो मैं फादर प्रीवियस ईयर कोई भी ले लेना सत्रह अट्ठारह प्रॉपर्टी मेरे पास थी अनरियलाइज रेंट हुआ था मैंने उसकी रिडक्शन क्लेम कर ली फादर निपट गए बेटा प्रॉपर्टी किसके पास आ गई सन के पास आ गई सन को रिकवरी हो रही है सन बिल ना देने इब्राहिम है उसे तो ब्याज के साथ रिकवरी होगी बेटा सन को क्या हो रही है साहब रिकवरी हो रही है अब ये रिकवरी टैक्सेबल हो या ना हो क्या कहते हैं अंडर द हेड अंडर द हेड एक बार और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तो इफ डिडक्शन वॉज क्लेम्ड बाय प्रीडिसेसर, बट रिकवरी इज बेटा क्लेम बाय सक्सेसर, देन रिकवरी इज टेक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी डायग्राम बनाऊ या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा दू स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो वे अनरियलाइज रेंट वॉज अलाउड एज डिडक्शन टू प्रीडिससर भाई प्रीडिससर की स्पेलिंग क्या होगी ऐसे कर देना ठीक है ना वे अनियलाइज एंड वॉज अलाउड एज डिडक्शन टू प्रीडिस एंड एंड सब्सिक्वेंटली सच अनियलाइज रेंट एंड सब्सिक्वेंटली सच अनियलाइज रेंट इज रिकवर्ड टू या इज रिकवर्ड बाय बायसेस एंड सब्सिक्वेंटली सच अनियलाइज रेंट इज रिकवर्ड बाय सक्सेस देन रिकवरी शैल बी टैक्सेबल इन द हाथ ऑफ इन देंड्स ऑफ सक्सेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तीस परसेंट की डिडक्शन इसे भी दे देना डिडक्शन क्लेम करी थी प्री डिसेसर ने रिकवरी हो रही है सक्सेसर को तो बेटा सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सर एग्जांपल ट्वेंटी फिर से बता दो क्या है ट्वेंटी क्या था भाई भाई रिकवरी हमेशा और हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है चाहे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है चाहे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है चाहे वो असैसी एग्जिस्टेंस में है चाहे वो अससी एग्जिस्टेंस में नहीं है रिकवरी हमेशा कहां पर आएगी हाउस प्रॉपर्टी ओके रिपोर्ट लॉजिक से आंसर देना अगले एग्जाम्पल का लॉजिक से पट्टे मत मारना अदरवाइज चुप रहना एग्जाम्पल नंबर 21 कोई भी एक प्रीवियस ईयर भला जमाना बीस इक्कीस रेंट हुआ एक लाख का सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था ना लायक मेरा एक्चुअल में रेंट डूबा था डिपार्टमेंट मान नहीं रहा मुझे डिडक्शन नहीं मिली पॉसिबल है? या ना तो करो सर yes, बिल्कुल पॉसिबल है हम इंटर में है कारण कोई भी रहा होटिस्फाइड नहीं हो रहा था नालायक ने क्या नहीं करी डिडक्शन नहीं दी पर मेरा तो रेंट एक्चुअल में डूबा था ये टाइम है टाइम बढ़ते 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 कहां पर आ गया तेईस चौबीस में रिकवरी हो गई पूरे एक लाख की यू आर लिख दू अनरिलाइज रेंट को समझ जाओ ना एक लाख की रिकवरी क्या दिक्कत हुई होगी दिक्कत क्या समझ मारी है राइटिंग के अलावा

कह रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है मुझे आपकी रिकवरी नजर आ रही है एक लाख मैं क्या करूंगा, इसका 70 करूंगा। कह रहा है, एक टैक्सेबल केस फाइट होते होते मान लो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेटा सारी दुनिया आपको देख रही है मैं दुनिया ये सुप्रीम के जज और मैं आपको देख रहा हूं क्या डिसीजन पास करें सर फैक्स ही समझ में नहीं आ रहे तो जब फैक्स समझ में आया हमारे क्या है बेटा पिछले एग्जाम्पल में और इसमें डिफरेंस क्या है वहां डिडक्शन मिली थी उसके बाद मुझे क्या हो रही है रिकवरी हो रही है यहां डिडक्शन ही नहीं मिली थी रेंट तो डूबा था पर ए तैयारी नहीं हो रहा था पास में डिडक्शन देने के लिए कौन बहस करे ठीक है मध्य भाई मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया टैक्स पे कर दिया अकॉर्डिंगली जो भी बन रहा था कंप्यूटेशन मेरी हो गई अब ये रिकवरी हो रही है हो गया क्वेश्चन दो इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं चेक करना कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है इंटरप्रिटेशन नंबर वन रिकवरी शेल ऑलवेज हेड हाउस प्रॉपर्टी थर्टी परसेंट के स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन वन ये इंटरप्रिटेशन टू रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली वेन इट वॉज अलाउड एज डिडक्शन इन द पास मिनट बेटा दोनों बोलियो कौन कौन सी थी <laughs> दोनों इंटरप्रिटेशन बोल कौन सी थी पहली <laughs> आगे तो बोल ही क्या मतलब क्या मतलब समझू पहले इंटरप्रिटेशन क्या थी हिंदी में बोल हमेशा <laughs> हमेशा टैक्सेबल होगी इंटरप्रिटेशन वन रिकवरी हमेशा टैक्सेबल होगी इंटरप्रिटेशन टू टैक्सेबल तभी होगी व्हेन इट वाज अलाउड एज रिडक्शन इन द

सर पास्ट में जब डिडक्शन नहीं मिली तो इसका मतलब पास्ट में टैक्सेबल हो चुका है अगर अब दोबारा टैक्स दे दूं डबल टैक्सेशन हो जाएगा नहीं समझ में आ रहा रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट वाज अलाउड एज डिडक्शन इन द पास्ट पहले तो इसका आंसर लिख लो नथिंग शेल बी टैक्सेबल चपेट पड़ेगी गए नथिंग शेल बी टैक्सेबल टैक्स फ्री है ये ठीक है और नोट डाल दो बड़ा बड़ा नोट कैप्स लॉक कैप्स में लिखना रिकवरी इज टैक्सेबल रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली व्हेन रिकवरी इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट वाज अलाउड एज डिडक्शन इन द पास्ट रिकवरी इज taxable ओनली when इट was अलाउड एज डिडक्शन इन द पास्ट ठीक है इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे और ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इस पर बिफोर द एग्जाम लिख लेना बेटा पेपर वाले दिन इसे जरूर करना थोड़ा टेक्निकल है फोकस रखना बेटा मेरे ऊपर प्रीवियस ईयर कोई भी 18, उन्नीस मतलब पास्ट ईयर लेना है मुझे ठीक है ना कोई भी ईयर हो सकता है मेरा एक अनरियलाइज रेंट हुआ था एक लाख का एओ के पास पहुंचा मैं दुहाई हो मेरा रेंट हुआ है मुझे क्या करो डिडक्शन दो मुझे डिडक्शन मिली साठ हजार की ऐसा भी हो जाता है एओ कह रहा है भैया साठ हजार ही अलाउड करूंगा मैं डिडक्शन कितने की नहीं मिली डिडक्शन नॉट अलाउड चालीस यहां तक के फैक्ट समझ में आ गए पास्ट ईयर में मेरा रेंट डूबा था एक लाख का पर मुझे डिडक्शन जो मिली थी वो केवल कितने की मिली थी साठ हजार फोर्टी थाउजेंड डिपार्टमेंट ने मुझे अलाउड नहीं किया मैंने भी बहस नहीं करी ठीक है जी चलो कोई नहीं टाइम बढ़ते 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 ये आ गया प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस केस ए रिकवरी हो गई पूरे एक लाख की लाख की रिकवरी एक मिनट यहीं रुक जाते हैं एक लाख वाले में रिकवरी हुई कितना टैक्सेबल होना चाहिए साठ हजार वो अलग बात है तीस परसेंट की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आंसर लगे हाथ यही लिख दूँ तो इस केस में पूरा एक लाख थोड़ी तो ना टैक्सेबल होगा चालीस तो पास्ट में टैक्सेबल हो ही चुका है तो रिकवरी कितनी टैक्सेबल मानी जाएगी डिडक्शन अलाउड वाली रिकवरी कितनी टैक्सेबल मानी जाएगी डिडक्शन अलाउड वाली तो टैक्सेबल होगा साठ हजार और वो भी तीस परसेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन यानी कि रिकवरी का सत्तर परसेंट कितना ऐसा अगर एग्जाम में आए ये सारे बच्चे कर लेंगे इसमें कुछ नया नहीं है नया सीखो क्या चीज है केस बी रिकवरी हुई केवल दस हजार अब सुनो ध्यान से कि क्या क्या दिक्कत आ रही है टाइम कम है सीधा मैं बोलता हूं सर अगर ये दस हजार ड्रॉप करो ड्रॉप करो सामने देखो ऑनलाइन वाले ध्यान देना बेटा अगर ये दस हजार से है तो ये पूरा का पूरा दस टैक्सेबल है हाँ वो तीस के मिल जाएगी। उस पर बहस नहीं ये दस हजार है किसमें से अगर ये साठ हजार में से है तो, तो ये रिकवरी टैक्सेबल है अगर ये दस हजार इसमें से है तो ये रिकवरी क्या नहीं है बेटा टैक्सेबल नहीं है ये दस हजार रिकवरी मानी किसमें से जाए अगर ये साठ हजार में से मानी जाए तो फिर तो टेन थाउजेंड क्या है बेटा टैक्सेबल है क्योंकि आपने रिडक्शन ले रखी है अगर ये चालीस हजार में से मानी जाए देन नथिंग इज टैक्सेबल क्योंकि आपको इसकी रिडक्शन नहीं मिली थी तीसरी इंटरप्रिटेशन ये हो रही है सिक्सटी फोर्टी कर दो छह हजार माना जाए साठ में से चार हजार माना जाए चालीस में से आप समझ रहे हो बेटा क्या कहना चाह रहा हूं दस हजार माना किस में से जाए डिफरेंस समझ में आ गया क्या फर्क पड़ेगा अगर ये दस हजार साठ में से माना जाएगा तो टैक्सेबल दस हजार टैक्सेबल हो जाएगा हाँ तीस परसेंट की स्टैंडर्ड रिडक्शन मिल जाएगी अगर ये दस माना जाए बेटा चालीस में से क्या आंसर होगा नथिंग शेड बी टैक्सेबल या प्रपोशनेट करें लो एसएससी के फेवर में है मैं आपको ऐसे हिंट देता हूं लॉ एसएससी के फेवर में है रिकवरी <laughs> पहले डिडक्शन नॉट अलाउड में से मानी जाती है रिकवरी पहले डिडक्शन नॉट अलाउड में से मानी जाती है थैंक्स टू लॉ बेटा फेवर में है ये अदरवाइज प्रपोशनेट करना पड़ जाता ठीक है पर लॉ ने बोल दिया रिकवरी पहले किससे मानी जाएगी बेटा डिडक्शन नॉट अलाउड तो इसमें से नहीं मानी जाएगी इसमें से मानी जाएगी क्या आंसर होगा not taxable. रिकवरी पहले डिडक्शन नॉट अलाउड में से मानी जाती है मान लो दस हजार की जगह अगर पच्चीस हजार रिकवर हुआ होता ये सब केस अलग अलग है कहीं कैलकुलेटर पे इनका टोटल करते चले जाओ ये अलग अलग केस हैं. अगर पच्चीस हजार होता तो ये भी चालीस में से माना जाएगा नॉट टैक्सेबल रिकवरी पहले किसमें से मानी जाएगी नॉट अलाउड में से बेटा ध्यान से अगर ये पैंतालीस होता तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे चालीस तो नॉट टैक्सेबल पांच हजार क्या होगा बेटा आपका टैक्सेबल आफ्टर अलाउंग आ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ थर्टी परसेंट आफ्टर थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आंसर क्या आएगा थर्टी फाइव हंड्रेड बनाते चलो केस रिकवरी बेटा मान लो आपकी सत्तर हजार हुई है बोलो तो इसमें से पहले तो माने जाएंगे चालीस डिडक्शन नॉट अलाउड में से है वो नॉट टैक्सेबल बाकी तीस हजार टैक्सेबल और तीस में भी याद रखना तीस माइनस थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा अब ऐसे ही कर लो सबसे पहले वाले केस को इनफेक्ट मैं कह रहा हूं अब अलग अलग खोल लो एक लाख एक लाख में भी आपने ऑल दो आंसर ऊपर दे दिया था पर अब इसको नीचे आंसर दें तो क्या होगा पहले रिकवरी किसमें से मानी जाएगी चालीस नॉट टैक्सेबल साठ टैक्सेबल और उसमें से भी तीस परसेंट की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं क्योंकि एग्जाम में जो प्रैक्टिकल आएंगे बेटा वो ये वाले आएंगे अपने लेवल पे जो आएंगे वो ये वाले बनेंगे पास्ट में कुछ अलाउड हो रहा होगा और कुछ डिसअलाउड हो रहा होगा और प्रेजेंट में सारी रिकवरी नहीं हो रही होगी कुछ रिकवरी हो रही होगी या तो जैसे केस बी हो गया सी हो गया डी हो गया इस हिसाब से बना के देगा वो ठीक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा अभी केवल बेटा मैंने आपको सिखाया है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट की क्या ट्रीटमेंट होती है आज के लिए इतना ही दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच